let me down. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को आप ही लोगों की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट पर बनाना सिखा रही हूँ। जी हाँ, आप लोगों ने देख ही लिया होगा, मैं आज आप लोगों को टिरामिसू बनाना सिखा रही हूँ और इसी के साथ मैं इसकी डेकोरेशन भी सिखाऊंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं उसमें मैंने ये 6 एग्स लिए हैं। इसकी योक है, एग योक, और ये एग वाइट है। इसके साथ हमें ये व्हिपिंग क्रीम चाहिए है, ये मैंने ली है। ये 473 ml की जो 35% वाली होती है ये वो वाली मैंने ली है। इसके साथ मुझे ये फिंगर बिस्किट इसके होते हैं वो वाले मैंने लिए हैं। इसके बाद मुझे ये कोको पाउडर चाहिए इसके साथ, और मैंने ये 1/2 cup शुगर ली है। वनीला एसेंस चाहिए होगा मुझे, और इसके साथ मुझे कॉफी चाहिए होगी, और आई थिंक दैट्स इट, इतने ही मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो सबसे पहले हमारे जो एग वाइट है इसको हम बीट करें। मैं ये इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ कर रही हूँ उसके लिए। मेरे पास प्रोसेसर भी है, मैं वो ज़्यादातर वही यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं इसलिए ये वाला यूज़ कर रही हूँ ताकि मैं आपको सिखा सकूँ, जिसके पास वो नहीं है वो इजीली इसको यूज़ कर सकें। तो सबसे पहले हम इसको बीट करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से हम इसको बीट करेंगे कि ये बिल्कुल फ्लफी हो जाए। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको इतने अच्छी तरीके से बीट किया है कि इसकी जो कितना अच्छा इसका फोम बन गया है, ये देखें बिल्कुल भी नहीं गिर रहा है। ये बिल्कुल इसी तरह से इसका ये जो बैटर है ये बिल्कुल इतना ही फ्लफी होना चाहिए कि अगर आप इस पॉट को उल्टा करें तो ये गिरे नहीं। देखिए इतना फ्लफी है कि जब इसको मैं इस तरह से उल्टा कर रही हूँ तो ये बिल्कुल भी नहीं गिर रहा, ये इतना ही फ्लफी होना चाहिए। अब इसके बाद मैं फ्रेश क्रीम को बीट कर लूंगी, लेकिन मैं आपको एक टिप यह देना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लें पानी से, और उसके बाद इसको पेपर टॉवल रोल से ड्राई कर लें। आप कभी भी इस तरह से ये जो गंदा हो रहा है इसको आप किसी भी दूसरी इसमें जब आप बीट करें तो उसको मत यूज़ किया करें, वरना वो सही से बीट नहीं होता है और वो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। तो इसको वॉश कर लें पहले अच्छे तरीके से, और फिर इसके बाद इसको आप पेपर टॉवल रोल से ड्राई कर लें। अच्छे से धो के ड्राई कर लिया है, और इसमें मेरे पास ये फ्रेश क्रीम है जो मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दी थी ताकि ये बिल्कुल अच्छे से चिल ठंडी हो जाए। अब इसके बाद हम इसको बीट करेंगे। अब आप देखें ये काफ़ी थिक होना शुरू हो गई है। जब ये इतनी थिक हो जाएगी तो इसके अंदर मैं 2 tablespoon के करीब शुगर ऐड कर दूंगी। इसमें ये मैं 2 tablespoon मैंने ये शुगर डाल दी है। मैंने 1 tablespoon पहले डाल दी थी और अभी एक मैंने 1 tablespoon दोबारा डाली है। अब मैं इसको दोबारा से बीट करूँगी। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से बीट हो गई है, बिल्कुल गिर नहीं रही है, बहुत अच्छी सी फ्लफी हो गई है। अब हम इसको दोबारा से वॉश कर लेंगे और इसके बाद हम एग योक को बीट करेंगे। बस ये एग योक है और इसको मैं डबल बॉयलर के ऊपर बीट करूँगी। अगर आपके पास डबल बॉयलर है तो सही है, और अगर आपके पास डबल बॉयलर नहीं हो तो जैसे मैं आपको इस तरह बता रही हूँ कि मैंने नीचे एक पैन में पानी रखा है इस तरह से, और उसके ऊपर मैंने ये को मैं फिर बीटर से बीट करूँगी अच्छे तरीके से। इतना बीट करूँगी कि इसका कलर जो है अभी आप देखें कितना डार्क हो रहा है, तो ये बहुत लाइट। और इसके साथ ही ये मेरे पास 1/2 cup चीनी जो है ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी।
अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसको इतना ज्यादा बीट किया है कि इसका जो कलर है देखें कितना ज्यादा चेंज हो गया है, बिल्कुल ये लाइट लेमन कलर का हो गया है और ये काफी थिक भी हो गया है। तो इसको आपने बिल्कुल कंटिन्यूसली बीट करना है, बिल्कुल रोकना नहीं है बीच में, क्योंकि अगर आपने इसको रोका तो ये इसकी जो योक है वो डबल बॉयलर की वजह से पक जाएगी और ये बहुत अजीब से इसमें दाने दाने से बन जाएंगे। तो इसको आपने बिल्कुल रोकना नहीं है और शुगर डाल के आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से बीट करना है कि इसका कलर इतना हो जाए। मैं तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से बीट कर लिया है। ये मेरे पास एग वाइट थे और एग योक और फ्रेश क्रीम, तीनों को बीट कर लिया है। अब इन तीनों को आपस में मिक्स कर देंगे। वैसे तो इसके अंदर मैसपोना चीज़ है वो भी जाती है, लेकिन मैं वो यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि वो इससे भी बहुत ज़्यादा रिच टेस्ट हो जाता है और हेल्थ कॉन्शियस की वजह से मैं सिर्फ इसमें ये तीन इंग्रेडिएंट्स ही डालती हूँ। तो इफ़ यू वांट आप डाल सकते हैं मैसपोना चीज़, उसको भी अच्छी तरीके से बीट कर लें और इसमें शामिल करते हैं, लेकिन ये मैं इस स्टाइल से बनाती हूँ। तो इस एग वाइट है ये, इसको एक दफ़ा और अच्छी तरीके से बीट करें। फिर ये जो मैंने एग योक बीट की थी ये इसके अंदर हम डाल देंगे। अब ये मेरे पास जो फ्रेश क्रीम है इसको मैंने बीट करके फ्रिज में रख दिया था। अब ये दोनों चीजें मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। ये बहुत अच्छी तरीके से बीट हो गया है, तीनों चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसके बाद हम इसकी असेंबलिंग शुरू करेंगे। इसकी असेंबलिंग करेंगे ये मेरे पास कॉफ़ी है, मैंने 2 कप वाटर लिया था और उसके अंदर 1.5 टीस्पून कॉफ़ी डाली थी और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर शुगर डाली थी और उसको सब मिक्स कर लिया। और ये थोड़ा सा नीम गर्म है, इसमें देखें हल्का हल्का से स्टीम निकल रही है, बहुत ज़्यादा तेज गर्म नहीं होना चाहिए ये, वरना जो हमारे बिस्किट हैं वो बिल्कुल नरम होके टूट जाएंगे। और इसके अंदर मैं ये मेरे पास वनीला एसेंस है ये मैं मिक्स कर रही हूँ। अब इसके अंदर भी मैं थोड़ा सा ये वनीला एसेंस डाल दूंगी। ऑलमोस्ट 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर यह वनीला एसेंस डाला है। मेरे पास ये बिस्किट हैं, ये फिंगर बिस्किट भी हैं, ये मैं यूज करूंगी। इसको सबसे पहले हमारे पास ये जो कॉफी है मैं यहीं रख लेती हूँ। इस कॉफी में इसको हम डिप करेंगे इस तरह से। और इसकी हम यहाँ पर इस तरह से लेयरिंग कर देंगे। इस तरह से ये इसकी फर्स्ट लेयरिंग लग गई है। इसके ऊपर हम ये जो हमारा बैटर बना हुआ है ये हम इसके ऊपर लगाएंगे और फिर इसके ऊपर हम सेकंड लेयरिंग करेंगे इस बिस्किट।
कोल्ड हो गया है और मैं इसके ऊपर अब डेकोरेशन स्टार्ट करूँगी। मेरे पास ये स्टेंसिल हैं, ये मैंने $1580 स्टोर से बाय किए थे, वॉलमार्ट में भी मिल जाते हैं। तो मैं इससे आपको डेकोरेशन करना बताती हूँ कि कैसे करेंगे। मैंने ये वाला डिज़ाइन लिया है, इसको मैं इस तरह से सेंटर में रखूँगी स्ट्रेनर से, इसके अंदर कोको पाउडर डाल के ये जो हमने मिडिल में डिजाइन लिया है इसके ऊपर इसको इस तरह से स्ट्रेन कर देंगे। इसके बाद हम इसको बहुत ही आराम से आहिस्ता से इसको उठा लेंगे। रेडी हो गया है और उसकी डेकोरेशन भी मैंने फाइनल कर दी है। देखें